आज मसाला किचन में बन रही है वो सब्जी जिसके बारे में आपका ध्यान ही नहीं गया होगा, आपने सोचा ही नहीं होगा क्या इस चीज की भी सब्जी बन सकती है, वो भी वो कोफ्ते जो हम अक्सर रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं। जी हाँ, ये है नारियल। जो नारियल हम पूजा में यूज़ करते हैं, पूजा के बाद कई बार हमें नारियल फल के रूप में भी मिलता है, उस श्री फल को हमें खाना होता है। कई बार हम यूं नहीं खा पाते और कई बार उसकी मिठाई बना देते हैं, लेकिन आज मिठाई नहीं, आज इसकी बनाएंगे सब्जी। इतनी अच्छी सब्जी कि आप पूरी फिनिश कर दोगे, प्रसाद का बड़ा मानसा होगा। तो मैंने सोचा आज ये कोफ्ते की सब्जी बनाती हूँ और आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। सबसे पहले ये नारियल ले लीजिए गीला वाला और इसका जो ब्राउन पार्ट है चाहे तो उसे हटा दीजिए, नहीं हटाना है तो कोई दिक्कत नहीं। बस इस तरीके से नारियल चाहिए, प्याज चाहिए, हरी मिर्च, अदरक चाहिए और टमाटर। थोड़े से मैंने ले लिए काजू, वो भी इसलिए कि रिच ग्रेवी बनानी है। अगर नॉर्मल ग्रेवी में आप बनाना चाहें तो आप नॉर्मल में भी बना सकते हैं इसी कोफ्ते को। थोड़े से और मेलन सीड्स ले लिए, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना चाह रही हूँ इसलिए मैंने ये लिए हैं। चाहें तो 2 चम्मच आप मावा डाल सकते हैं, मलाई डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, 1 छोटी इलायची डाल रही हूँ, 4 से 5 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 चक्रफूल। इसमें साबुत गरम मसाले का जो फ्लेवर आएगा बहुत ही अमेजिंग आने वाला है। साउथ में नारियल को बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है। आज हम भी बनाएंगे नारियल के कोफ्ते। क्या आपने पहले कभी नारियल के कोफ्ते बनाए? अगर हाँ तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। ये गरम मसाले जो हैं ये रोस्ट हो रहे हैं, यहाँ मैं 1 कटोरी में थोड़े से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और ये गर्मा गर्म थोड़ा सा यही वाला ऑयल उठा के इसके अंदर डाल रही हूँ। ये ऑयल हमें लास्ट में यूज़ होगा। यकीन मानिए ये सब्जी बहुत अमेजिंग है। इसके सारे स्टेप्स आप फॉलो कीजिए, आपके भी कोफ्ते बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। इसके सामने मलाई कोफ्ता भी फेल होगा। ये ऑयल हमें लास्ट में यूज़ होगा। चलिए अब ये गरम मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इसमें डाल रहे हैं 4-5 कली लहसुन की और मोटे मोटे कटे प्याज 2, अदरक और हरी मिर्च। इन सबको हमें थोड़ा सा पकाना होगा। अब हम कटे हुए टमाटर डाल रहे हैं, 3 से 4 आप टमाटर डाल सकते हैं। मैं आज थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि ये ग्रेवी अगर बनी हुई होती है ना, इसी में ही आप दम आलू बना सकते हो, कोई और कुछ बना सकते हो, मिक्स वेज बना सकते हो। तो जब भी मैं इस टाइप की जो ग्रेवी बनाती हूँ थोड़ी ज़्यादा ही बना लेती हूँ। जैसे आधी ग्रेवी तो मुझे लगेगी कोफ्तों के लिए, बाकी बची हुई ग्रेवी मैं बाद में किसी चीज़ में यूज़ कर लूँगी। ऐसा आप लोग भी कर सकते हो। स्वाद अनुसार डाल दीजिए नमक। अब इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 से 1.5 कप डाल दीजिए पानी। इसी में ही डाल दीजिए काजू और मेलन सीड्स। कोई एक चीज़ भी डाल सकते हैं, सिर्फ मेलन सीड्स भी डाल सकते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं, और चाहें तो आप सिर्फ काजू भी डाल सकते हैं। बस इन सबको उबलने दीजिए और इसे थोड़ी देर कवर कर लीजिए। यहाँ देखिए ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया से उबल चुकी हैं, बहुत ही फ्लेवरफुल ये ग्रेवी बनेगी। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब ये जो नारियल है, इस सारे नारियल को छोटे छोटे पीस करके मैं मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। पहले मैं ऐसे ही उसे ग्राइंड करूँगी, फिर ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ेगा। अब सारे नारियल को हम एक बोल में निकाल लेते हैं। अगर कोई मोटा पीस रह भी जाता है तो उसे आप चाकू से बारीक कट कर सकते हैं। अब ये ग्रेवी भी पक चुकी है और अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं और उसे ठंडा कर देते हैं। अब इसी नारियल में हम डालेंगे बॉयल आलू ग्रेट करके। करीब 2 आलू मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब हरी मिर्च और अदरक जिसे मैंने एक ही साथ चॉप कर लिया था उसे भी मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसमें हरा धनिया खूब सारा।
अब मैं इसमें बेसन भुना हुआ डाल रही हूँ। 3 से 4 चम्मच आप भुना हुआ बेसन डाल दीजिए। स्वाद अनुसार डाल दीजिए नमक, लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अब इसे मिक्स कीजिए। कई बार हमारे घर में नारियल होता है, सोचते रहते हैं इसका करें क्या, काफ़ी दिन फ्रिज में रखते रखते फिर परेशान हो जाते हैं। ऐसे नारियल को, कटा हुआ नारियल है तो ख़राब होने का भी डर लगता है, तो इस तरीके से सब्जी बनाएंगे ना तो सब लोग उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है ना। अगर आपको ऐसा लगे कि गीला है तो आप थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाइए और मनपसंद शेप के इसके कोफ्ते बना डालिए। एक और बात, वैसे तो मैं इस कोफ्ते को फ्राई करूँगी, पर आपको कभी मन करे कि फ्राई नहीं करना है तो अप्पे मोल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, जैसे ज़रा सा ऑयल लगा के। कभी कभी मन नहीं करता ना कि कढ़ाई रखनी है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको फ्राई इसलिए करके दिखा रही हूँ कि बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। बिल्कुल ऐसे ये सब्जी बनेगी जैसे मलाई कोफ्ता, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। इसी तरीके से मैं सारे कोफ्ते तैयार कर लेती हूँ। अब ये ग्रेवी भी ठंडी हो चुकी है। जो दालचीनी का पीस है, चक्रफूल है, वो बड़े बड़े पीस हैं, उन्हें मैं निकाल लेती हूँ। बाकी पूरी ग्रेवी को मिक्सी के जार में डालकर मैं पीस लेती हूँ, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये ग्रेवी तैयार हो गई है, और ज़्यादा ऑयली भी नहीं होती है ये सब्जी, बहुत ही बढ़िया। अब वो जो बेसन था ना हमारे पास भुना हुआ, उस बेसन से हल्का सा लपेटते हुए इन कोफ्तों को हम डीप फ्राई करेंगे। क्योंकि मैं डीप फ्राई कर रही हूँ ना, तो हल्का सा बेसन लगाना बहुत ज़रूरी है, उससे इसकी फिनिशिंग आएगी। लीजिए मीडियम फ्लेम पर जो ऑयल गर्म हो रहा है उसे मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। गोल्डन होने पर हम इन्हें निकालते जाएंगे। इसी तरीके से मैं सारे कोफ्ते को फ्राई कर लेती हूँ। और यूं भी कभी आपका मन करे ना इसे नाश्ते में सर्व करना, मतलब सिर्फ कोफ्ते टाइप, जैसे कबाब टाइप बनाने, तो उस टाइप में भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, आपको अगर ग्रेवी में नहीं डालने हैं। ये देखिए बाहर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से काफ़ी मॉइस्ट रहेगा ये। ये देखिए कहीं से टूटा नहीं है, एक ही कलर का, बहुत ही परफेक्ट बना है। अब उसी ग्रेवी को हम फाइनल टच देते हैं। थोड़ा सा ऑयल फिर से मैं डाल रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। इन सारे मसालों को भूनने के बाद मैं डाल देती हूँ वही ग्रेवी। और ग्रेवी देखिए कितनी बढ़िया थिक है, अभी हमने इसे बॉयल भी नहीं किया है। ये देखिए अभी बॉयल होगी, उतना ही इसमें टेस्ट भी बढ़ेगा। अब पूरी सब्जी का टेस्ट के अनुसार नमक डाल दीजिए। मेरे घर में इस सब्जी को बेहद पसंद किया गया, आपके घर में ये कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा। 1/2 चम्मच डाल देते हैं इसमें चीनी, ये सारे मसालों को ना बैलेंस करेगी। इसे थोड़ी देर ढक के और पका लेते हैं। ये चक्रफूल और दालचीनी इस समय अगर आपको डालना चाहें तो फिर से डाल सकते हैं, पर पीसते टाइम निकाल दीजिएगा। इसकी ग्रेवी कितनी परफेक्ट है, यहाँ पर आप स्पून के पीछे बैक साइड से देखिए। हमें ऐसी ग्रेवी चाहिए कि उस स्पून के पीछे बढ़िया सी एक कोटिंग सी हो गई है, मतलब ये बहुत बढ़िया परफेक्ट कंसिस्टेंसी में ग्रेवी है। हमेशा कोफ्ता जो होता है हम ग्रेवी में ज़्यादा उबालते नहीं हैं, चाहे तो आप उबाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर ऊपर से भी जैसे आप सर्व करेंगे ना तो बहुत ही परफेक्ट बनेगा और ये कोफ्ता सॉफ्ट भी बहुत होगा। अब ये गर्मा गर्म प्यारी सी बढ़िया सी मलाई कोफ्ते जैसी ग्रेवी इसमें हम डाल देते हैं। नीचे कढ़ाई में या किसी भी पैन में जिसमें आप सर्व करने वाले हैं कोफ्ते रखिए, फिर आप डाल दीजिए ये बढ़िया सी गर्मा गर्म उबलती हुई ग्रेवी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना,
बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबे स्टाइल, कोई नहीं कहेगा कि आपने इसमें कोई पनीर यूज़ नहीं किया, कोई क्रीम यूज़ नहीं किया है, और काजू भी किया है तो बहुत ही कम। अब जो ऑयल हमने स्टार्टिंग में बनाया था ना, वो लाल लाल सा ऑयल, वही ऑयल ऊपर से कुछ टपका दीजिए, उससे होगा क्या, वही लुक आएगा जो ढाबों में मिलता है। ऊपर से धनिए से गार्निश कर दीजिए। अब मैं आपको इसे कट भी करके दिखाती हूँ, कितना सुपर सॉफ्ट कोफ्ता है। ये मत समझिए कि ये कोफ्ता ना काफ़ी हार्ड होगा, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट। आप चाहें तो इसके अंदर किशमिश के दाने, चिरौंजी के दाने भी डाल सकते थे। तो इसे आप कब बना रहे हैं, कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल न जाएं।